ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बिहार के चुनावी रण में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश जी की अगुवाई में बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। जहां गया लोगों का मिजाज में देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। साथियों, मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते। आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोधगया जी में भी आईआईएम खुला है जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वरना बिहार ने वो समय भी देखा है जब यहां के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों के लिए भी तरसते थे। साथियों, गया जी का ये पूरा क्षेत्र भारत के ज्ञान, आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहा है। पहले जो सरकारें रही उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब एनडीए सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए घर, उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है। साथियों, भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं।